बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है, पर क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, मूड मेरा अपलिफ्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनकर। दैट्स व्हाई आई एम अटेंडिंग अवार्ड्स, दिस अवार्ड्स। कौन कौन से गाने सुनती हैं आप इस साल के 2019 में? मलंग के बहुत अच्छे हैं, कबीर सिंह के बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे वो जोन ज़्यादा अच्छा लगता है। यू नो, मैं हिंदी गाने कम सुनती हूँ, पर कबीर सिंह और मलंग के गाने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। खतरों के खिलाड़ी में भी आपको देखा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत नर्वस हूँ मैं, क्योंकि अभी बस 3 दिन में ही खतरों के खिलाड़ी शुरू हो रहा है। ये मेरा जोन बिल्कुल नहीं था ये शो करने का, पर कैसे भी करके हिम्मत जुटा के मैंने ये शो किया है। आई एम रियली एक्साइटेड, आप लोग सब देखना ज़रूर। हाँ, विनर फिक्स होगा या क्या होगा? कैसे विनर फिक्स हो सकता है, रियलिटी शो है, कुछ फिक्स कुछ भरोसा नहीं होता। नहीं, हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं होता है, विनर कोई फिक्स नहीं होता है, इट इज गुड। ओके, इसके अलावा मैम थर्ड मार्च को डिले हो रहा है, बहुत दुख की बात है, मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जस्टिस मिलना चाहिए बहुत जल्दी, पर डिले हो रहा है, पर फाइनली हो रहा है, तो लेट्स सी एट द पॉजिटिव साइड। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो आप लोग? बात करना है मेरे से कि नहीं करना है? बोर हो गए आप? आप मुझे राधे के बारे में नहीं पूछेंगे? अरे ऐसे कैसे चलेगा यार, आपको आप बोलिए क्या करना है। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये मेरा फेवरेट है, बिल्कुल। लेकिन अवार्ड ही नहीं मिल पाते कबीर सिंह को। हाँ जी, कबीर सिंह के अवार्ड नहीं मिल पा रहे, कहाँ पे भी देखे हम अवार्ड नहीं मिल पा रहे, क्या कारण है? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ। क्या आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जान बूझ के पूछ रहे हो आप? आपको मालूम है क्या हुआ है 2 दिन पहले ट्विटर पे? तो मेरे हिसाब से कबीर सिंह का एल्बम सबसे बेस्ट था, और हर अवार्ड उनको तो मिलना ही चाहिए। मैं बोलूँगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बोल दूंगा, कि मुझे लगता है कि फिल्म फेयर में भी मनोज मुंतशिर सर को जीतना चाहिए था तेरी मिट्टी के लिए। आई लव मनोज सर वर्क माई सेल्फ, मेरे गाने लिखे हैं उन्होंने,
तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ एक गाने के लिए, गाने का नाम है वो बारिश है। तो वो गाना भी मनोज सर ने ही लिखा है। तो आप इतना खुश हो गए हो, देखो इतना कुछ कंट्रोवर्शियल बोला, ऐसे खुश तो हंसमुख हो गए आप तो, तो हाँ नहीं मुझे तो लगता है। अच्छा ऐसे क्या बात, क्या बात है। और कुछ, थैंक यू जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Can you please repeat? I'm very excited to be here. It's always beautiful to have beautiful and talented people around. We share the same love, which is music. So I'm happy to be here. Yeah, thank you. Hello, hi, I'm back. पूछिए। ये शाम, इस शाम का इंतज़ार होता है पूरे साल। मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ आर फिल्म म्यूज़िक, आर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड सारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के मेरे भाई बहन, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त सब आज इधर हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ईच ऑफ दोज सॉन्ग्स जो हमारे श्रोताओं को के दिलों तक पहुंचा है और उन गानों को लोगों ने हर दिन गुनगुनाया है या गाया है या अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल इवनिंग। मैं अभी ही सवाल का जवाब देती कहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है अपने गानों में से चुनना, बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। इस साल कुछ अलग अलग तरह के गाने आए हैं, चाहे वो घर मोरे पर देसिया हो जो क्लासिकल बेस्ड है, ये आईना जो बहुत रोमांटिक गाना है, स्लो मोशन जो कि धमाल गाना है। सो ये सब को मिला के एक खिचड़ी बना के वो तीनों गाना का मिक्सचर इज़ माय फेवरेट आई वुड से। बट या घर मोरे परदेसिया इज़ अ सिंगर्स ड्रीम सॉन्ग, आई एंजॉयड सिंगिंग दिस वन, सो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट। डन, थैंक यू। अच्छा रघुबर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। थैंक यू।
आई थिंक ज़्यादातर सभी बहुत ही मैं मुझे खुशी है कहने में कि हमारा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा और मेलोडियस होते जा रहा है. एक गोल्डन ईयर्स फॉर गुड म्यूज़िक वॉज द 90s. देन अगेन आई थिंक आफ्टर दैट इट हैज़ ओनली प्रोग्रेस. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉस विच वन, बट आई लव ऑल ऑफ देम एंड मे द बेस्ट वन विन टुनाइट. आपका फेवरेट? अभी फेवरेट बोलूंगी, अवार्ड देने के बाद आके बताऊंगी फेवरेट कौन सा था. राइट नाउ इट विल नॉट बी शेयर. एक्चुअली या व्हाई डिड आई जस्ट से इट, आई लव ऑल दोस दैट आर माय रीमिक्सेस. क्योंकि आप बात करती हैं गाने को अवार्ड मिलना चाहिए इस साल, क्या लगता है? आई थिंक ऑल ऑफ देम इक्वली डिजर्व. इट्स आई थिंक इट विल बी ऑन पब्लिक वोटिंग व्हिच वन वर्क्स बेटर. क्योंकि आप बात करती हैं तो फाइनली डेट आ चुकी है निर्भया. Not the place to. Just fix up now. We'll do a proper interview. Last question. मैं अभी दूसरे मूड में, अभी सडनली serious मूड. Yeah, not this question, guys. आपको पढ़ के बोलना पड़ेगा. अच्छा लग रहा है सर? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है. पिछले 4-5 सालों में 5 नॉमिनेशन है तो अच्छी बात है. कुछ नहीं, देख रहा हूँ लोग क्या धमाल कर रहे हैं, मैं तो चिल करने आया हूँ. मेरा या किसी और का फेवरेट? मैं खुद के गाने गाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा. मिथुन सर का एक गाना है, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. मुझे लगता है इस साल का बेस्ट गाना है. लेकिन अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो हर अवार्ड शो में अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? किसको? कबीर सिंह के म्यूजिक नहीं मिल पा रहा है. फिल्म में हर जगह अगर हम म्यूजिक तो सब जगह जीत गया. काफी कंट्रोवर्सी हो रही है म्यूजिक में तो नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग में उन लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं. म्यूजिक तो अनडाउटेड ऑडियंस ने सुपर हिट बना एल्बम को, इन लोग दे कोई और दे ना दे वो फर्क नहीं पड़ता, जीत रहे तो है. दिल जीतना जरूरी है, अवार्ड मिले ना मिले. आ जाओ भाई, कोई नहीं रोक रहा. ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने सबने साथ में कबीर सिंह के म्यूजिक पे काम किया.